आपने कभी ना कभी ये सेंटेंस जरूर सुना होगा कि आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, और इसके जवाब में इंजीनियर बनना चाहता है ये भी आपने जरूर सुना होगा। लेकिन आपको इंजीनियर बनने के लिए किसी ना किसी फील्ड में डिग्री कोर्स करने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि बीई यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन यहाँ पर आपको किसी अच्छी कॉलेज से इंजीनियरिंग करने के लिए आपको उसका एंट्रेंस एग्जाम भी देना होता है, जिसकी कॉलेज का इम्पैक्ट आपकी जॉब प्लेसमेंट पर भी पड़ता है। वैसे तो इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए स्टेट लेवल पर काफी सारी एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जाता है, लेकिन नेशनल लेवल पर अगर कोई एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है तो वो है जेईई यानी कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, और आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाला है। सो बेसिकली यहाँ पर जेईई को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जेईई मेन और जेईई एडवांस, जिसमें दोनों का ही अपने लेवल पर एक अलग ही रोल है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जेईई मेन की। सो जेईई मेन एग्जामिनेशन को पहले सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा था, जो कि अब 2019 से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। जेईई मेन को क्वालिफाइड करने पर आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटीज, सीएफटीआई या फिर जीएफटीआई जैसी कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है। जितना स्कोर आपका अच्छा होगा उतनी आपको अच्छी कॉलेज और उतनी ही अच्छी आपको ब्रांच मिल सकती है। जेईई मेन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर क्लास 12th अपीयरिंग स्टूडेंट या फिर क्लास 12th इक्विवेलेंट स्टूडेंट्स और क्लास 12th पास आउट स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेन सब्जेक्ट उनके रहेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और अगर बात करें जेईई मेन एग्जाम को कितनी बार दे सकते हैं, तो यहाँ पर जेईई मेन एग्जाम को स्टूडेंट क्लास 12th में पढ़ रहे हो तब दे सकते हैं, और उसके अगले 3 साल तक इस एग्जाम को स्टूडेंट दे सकता है, यानी कि लगातार 3 साल स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन को दे सकता है। तो अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन की। तो यहाँ पर ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है, जो कि सीबीटी मोड पर रहता है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, जिसे जेईई मेन के अलॉटेड सेंटर पर ही देना होता है। अब बात कर लेते हैं इस एग्जामिनेशन को साल में कितनी बार कंडक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ साल पहले इस एग्जामिनेशन को साल में सिर्फ एक ही बार कंडक्ट किया जा रहा था, लेकिन सिचुएशन के मुताबिक इसे चेंज करते हुए साल में 2 सेशन में भी कंडक्ट किया गया था, लेकिन रिसेंटली 2021 में इसे 4 सेशन में कंडक्ट किया गया था। यानी कि हर एक स्टूडेंट को 4 बार एग्जाम को अटेम्प्ट करने का मौका दिया गया, जिसमें स्टूडेंट चाहे तो 1 सेशन को भी अटेंड कर सकता है या फिर चाहे तो 4 सेशन को अटेम्प्ट कर सकता है, और इनमें जो भी बेस्ट स्कोर होगा उसे रिजल्ट के तौर पर कंसिडर किया जाएगा। सो अब बात कर लेते हैं जेईई मेन की एग्जामिनेशन के पैटर्न की। तो यहाँ पर टोटल 90 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, जिन्हें 300 मार्क्स में डिवाइड किया गया है। इसमें 3 सब्जेक्ट रहेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, जिसे 30-30 इक्वली क्वेश्चंस के साथ डिवाइड किया गया है। हर सब्जेक्ट में आपको 2 सेक्शन देखने को मिलेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे और सेक्शन बी में आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। सेक्शन ए के जो 20 क्वेश्चन रहेंगे, ईच क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहेगा और नेगेटिव मार्किंग इसमें 1 रहेगा, और सेक्शन बी में आपका ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। और अगर हम लोग बात करें कि एग्जामिनेशन किस लैंग्वेज में कंडक्ट किया जाता है, तो यहाँ पर टोटल 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जाता है, जिसमें इंग्लिश के साथ हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नाडा, मराठी, मलयालम, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू लैंग्वेज में इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जाता है। ओवरऑल जेईई मेन के एग्जामिनेशन में तकरीबन 10 से 12 लाख स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और तकरीबन 2 से 2.5 लाख स्टूडेंट्स में क्वालिफाइड हो पाते हैं जेईई एडवांस के लिए। और जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल होने के लिए जेईई मेन की एग्जामिनेशन को क्वालिफाइड करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सो अब बात कर लेते हैं जेईई एडवांस की। सो जेईई एडवांस जेईई मेन का एक सेकेंड लेवल का एग्जामिनेशन है, जिसे आईआईटी की ओर से कंडक्ट किया जाता है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसे कंडक्ट करती है। तो जेईई मेन और जेईई एडवांस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप जेईई एडवांस को क्वालिफाइड करते हो तो इसमें आपको आईआईटी, आईआईएससी बेंगलोर, आईआईएससीआर और आईआईएससी जैसी बड़ी कॉलेज में एडमिशन लेने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं जेईई एडवांस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पर आपको क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन को पास किए होना चाहिए, या फिर क्लास 12th अपीयरिंग स्टूडेंट या फिर क्लास 12th इक्विवेलेंट स्टूडेंट्स भी इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन आपको इसी के साथ साथ जेईई मेन की एग्जामिनेशन को क्वालिफाइड करना भी ज़रूरी है और एडवांस के लिए एलिजिबल होना भी आपके लिए ज़रूरी रहेगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात करें तो इस एग्ज़ाम को आप लगातार 2 साल इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, जब आप 12th में हो तब और उसके बाद जब आपने ड्रॉप लिया हो तब इस एग्जामिनेशन को आप दे सकते हैं।
एग्जामिनेशन के पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर दो पेपर आपके कंडक्ट किए जाते हैं और दोनों ही पेपर आपके लिए कंपलसरी रहते हैं, जिसमें तीन सब्जेक्ट रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। इच पेपर आपके 3 घंटे का रहेगा और PW जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए 4 घंटे का पेपर रहता है। जी एडवांस के मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर एडवांस का जो एग्जामिनेशन है वो टोटली CBT मोड पर रहता है, यानी कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा, जिसे आपको JEE एडवांस के सेंटर पर जाकर ही एग्जाम को अटेम्प्ट करना रहेगा। दोस्तों अगर आप JEE मेन और एडवांस की अगर आप डिटेल में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।